नमस्कार दोस्तों, शाखानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम एकता नगर में रवि ग्रुप के खिलाफ यहाँ पर जो सोसाइटीज़ के मेंबर्स हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब आज सुबह से ही जमा है, इकट्ठा है और इनको काफ़ी परेशानियाँ हैं। आज इतने सालों से ये परेशान है, 16 साल से ये जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं और परेशान है। इनसे ही जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आप मुझे आपका नाम बताइए। नमस्ते मैम, मेरा नाम विजया सालवी है। 2006 से हमारा प्रोजेक्ट चालू किया गया था। आज 2021 हो गया, हमारे घर का अभी तक लीव भी नहीं पड़ा है। 5-6 साल हो गया, हमको भाड़ा नहीं मिला है और ऊपर से इन लोगों की धमकी मिलती है। हम लोगों को बात करने को जाएंगे बिल्डर के ऑफिस में तो बोलते के हैं यहाँ पर हम तुमको नहीं पहचाने, तुम्हारे कमेटी वालों को लेके आओ। वो लोग हमारे यहाँ पे आके हम लोगों को उल्टा धमकी दे के जाते हैं कि तुम लोग को है ना, हम लोग नहीं जानते हैं, तुम लोग यहाँ पर हमसे बात करने के लिए नहीं आ सकते हैं। हम लोग इंसाफ मांगने के लिए कहाँ जाना चाहिए? 6-6 साल हो गया भाड़ा नहीं मिलता है तो हम लोग कहाँ से भरे? हम लोग हमारे घर में अच्छे से रहे थे, 26 जुलाई हुआ पानी भरा तो हम लोग बच्चों की आगे गाना खुशहाली के लिए उनको अच्छा दिन देखना मिले इसके लिए हम लोग हमारा घर छोड़ के बाहर निकले, हमारी गलती हो गई। हम लोगों को आप लोगों को सपोर्ट चाहिए प्लीज़। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारा कोई भी पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पर हमारी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। कल हमारे भाई को वहाँ से जयेश का धमकी वाला फ़ोन आया है, वो लोग बोलते हैं कि तुमको जो ना चाहिए बोलो, वहाँ पे से लेके निकल जाओ वरना ठोक देंगे। ठोक देंगे का मतलब क्या होता है? और ये रिपोर्ट निकालने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए तो हमको बोलते हैं ठोकने का मतलब हमको नहीं पता है, ये इसकी FIR नहीं होगी। 3 घंटा हम लोग को वहाँ पर बिठा के रखा, हम लोग 4-5 दिन से यहाँ से है ना भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन इसका उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉप वर्क का नोटिस भी ला के दिया लेकिन उसकी भी इन लोगों ने कोई वैल्यू नहीं की। अब हम लोग को आगे क्या करना चाहिए ये आप लोग बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। पहले निकाल दिया डेवलपर, 2017 से इन लोगों को टर्मिनेट किया गया है लेकिन आज तक वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आज वुमेंस डे के दिन हम लोगों को इतना बड़ा मेडल दिया गया कि ये लोग चोरी करेंगे? हम लोग क्या चोर हैं? चोरी करने वाले इतना साल चुप नहीं बैठते थे, कभी का इन लोगों को फोड़ के निकाल लिए होते थे, मगर प्लीज हम लोग आपको सपोर्ट करो। आप आपका नाम बताइए और आपने कहा कि आपको तो रात को 1-1.5 बजे तक भी धमकी आती है तो उसके बारे में। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा बनसोड़े, इतने मैं 30 वर्षापासून राहते। 2006 पासून कमेटी डेवलपर यांच्या संगनमताने हा प्रोजेक्ट चुकीच्या पद्धतीने चालू आहे। त्याच्यानंतर आम्ही वारंवार याच्यासाठी 16 वर्षापासून संघर्ष करत आहोत। आता तर इतकं पाणी डोक्यावरून गेलेलं आहे की आम्हाला बिल्डर करून डायरेक्ट ठोकण्याच्या धमक्या येतात। बिल्डरने ऑफिसमध्ये गुंडे बसवून ठेवलेले आहेत, ते आम्हाला येता जाता त्रास देत आहेत, आमच्यावर चोरीच्या आळ घालत आहेत। आमच्या ऑफिसमध्ये आम्ही जाऊ शकत नाही। बिल्डरला 4 मार्चला स्टॉप वर्कचं SRA ने नोटीस दिलेलं आहे। नोटीस मिळूनसुद्धा डेव्हलपर दादागिरीने काम चालू करतो आहे। आम्ही SRAच्या अधिकाऱ्यांना एकदा नाही 17 वेळा फोन केला किंवा कित्यंदा तरी ते फोन उचलत नाहीत, आणि उचलला तर लगेच कट करतात। आम्ही त्यांना विचारतो की इथे काय, पोलिसांकडे गेलो तर पोलीस सांगतात आम्हाला अधिकार नाही आहेत, आम्ही तुमची मदत नाही करू शकत। पण बिल्डरचा एक फोन जातो, पोलिसाची गाडी ताबडतोब आम्हाला येते, आमच्यावर FIR घेतल्या जातात, केसेस घेतल्या जातात, आम्हाला पोलिसांकडून धमक्या दिल्या जातात तुमच्यावर केसेस घेऊ। मग डेव्हलपरला हे पोलीस का सांगत नाहीत की ते त्यांनी SRAमध्ये जावं? आम्हाला सांगतात की काम बंद करायला तुम्ही नोटीस आणा SRA माडाचं, तर मग डेव्हलपरला पोलीस का नाही सांगत? तर अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे आणि या भ्रष्ट SRAच्या अधिकाऱ्यांमुळे माडाच्या अधिकाऱ्यांमुळे आम्ही व्यथित झालेलो आहोत, आम्हाला कोणाचीही मदत मिळत नाही। कृपा करून आज तिला माझी विनंती आहे, तुम्ही पाठपुरावा करा आणि एकता नगरच्या जनतेला न्याय द्या, ही नम्र विनंती आहे। महिला दिनी आज माझी ही विनंती मान्य करेल का? शाखा नाईन तर मी अशी आशा बाळगते आणि कृपा करून आम्हाला मदत करा वेळोवेळी, हीच विनंती। धन्यवाद। आप किसी नेता के पास गए थे इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, हम योगेश सागर जी के पास गए थे, कमलेश जी यादव के पास गए थे, जितना उन्होंने उनसे हो सका उन्होंने जो मीटिंग भी रखा SRA में, SRA के इंजीनियर को डांटा भी है कि एक गलत तरीके से यहाँ जो एक बिल्डिंग लोगों को कहा जाता है कि वो रियाब है, वो रियाब नहीं है।
अभी हमारे बिल्डिंग का तो रिहाब का फाउंडेशन भी नहीं हुआ है और वो गलत तरीके से आज तक 15 साल से कमेटी और डेवलपर ये कहता है कि वो तुम्हारा रिहाब है, लेकिन योगेश सागर जी और कमलेश यादव की जी के सहयोग से हमें वहाँ ये पता चला कि यह रिहाब नहीं, ये सेल पार्ट 1 है और ये सेल पार्ट 2 है और यहाँ पब्लिक को अंधेरे में रखा जा रहा है, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, पूरे कमेटी मेंबर भ्रष्ट है। मैं तो कहती हूँ TV9 शाखा जरा इनकी इंक्वायरी करे, इतने भ्रष्ट है जिसके पास खाने को नहीं था, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है आज, एक एक मेंबर के पास, किसी के घर में कोई सर्वेंट नहीं, कोई नौकरी नहीं करता है, लेकिन 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कृपा करके हमें हेल्प कीजिए, एकता नगर की जनता को हमारी विनती है, धन्यवाद। अब तब से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परेशान, आप बोल रहे हैं कि एक सीनियर सिटीज़न, हमारी उम्र देखी जाए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज 16 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैडम, 16 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम बाजू में देखते हैं, एक साल में प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है और पब्लिक उसमें रहने को जा रही है और हमारे लिए 16 साल क्यों, और ये किसके लिए, और ये क्यों कर रहा है ऐसा कि तू हमको डुबाने के लिए खड्डा खोद रहा है क्या, बचाने के लिए? ये 2006 से इसने हमारा प्रोजेक्ट कर दिया और ऐसा भी किया कि ना घर ना दार। अभी आप कहाँ पे रहते? रहता हूँ इधर ही, रहता हूँ इधर, पर रात में नींद नहीं आती, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, ना सुविधा नहीं है, घर महसूस होता है, समझ में आता है क्या करे ना करे, वह भी समझ में नहीं आता है। 16 साल बोलो तो क्या काम? 16 साल हो गए कि इसने जो आग लगाई है, ये बिल्डर ने आग लगाई है, और इसको बोलना तेरी आग तू लगा के उधर मर जा, इधर बताना, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस पूरे मामले में जो सुनाई दे रहा है, एक सेल बिल्डिंग को लेके, रिहैब को लेके है, अब दो बिल्डिंग्स यहाँ पर खड़े हैं, दोनों सेल है, रिहैब की नहीं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है। ठीक है मैडम, यहाँ पे लिखा है CC लिखा है, ये CC में क्या है? सेल बिल्डिंग नंबर 1 जी, ओके, और ये CC में क्या लिखा है? सेल नंबर बिल्डिंग नंबर 2। तो आपको कहीं लगता है यहाँ पे रिहैब करके दिखाएं? नहीं है, राइट। और यहाँ पे ये जो स्कीम है हमारा, जो म्हाड़ा ने हमको NOC दिया है, 2006 में दिया NOC हमको, जिसमें लिखा है 33(5) का, हम लोग कौन है? म्हाड़ा के LIG टेंडेंट है, LIG टेंडेंट है, तो हम लोग 393 मेंबर यहाँ के म्हाड़ा के, म्हाड़ा के LIG टेंडेंट को आप 3(14D) में कैसा ले जा सकते हो, 33(14D) में कैसा ले जा सकते हो? लेकिन यहाँ पे हमको 33(14D) में सेल बिल्डिंग 1 बता रहे हैं, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, ओके, और 33(5) का नामो निशान ही नहीं है। अभी 16 साल से बना रहा, बोला डेवलपमेंट कर रहा है, खाली वो सेल बिल्डिंग का ही कर रहा है, और उसमें भी 5 साल से 6 साल से भाड़ा भी नहीं दे रहा है, तो इसके पास पैसा ही नहीं है, तो बिल्डिंग ले हमारे प्रोजेक्ट में हाथ क्यों डाला? अगर नहीं कर रहा तो हाथ उठा, बोल दीजिए भाई मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाता, अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के, वो भी नहीं कर रहा, यहाँ पे गुंडागिरी दादागिरी करके रह रहा है, और सोसाइटी ने AGM लेके बहुसम्मति के साथ पूरे इनको 14 अगस्त को निकाल दिया, 14 अगस्त 2019 को निकाल दिया इनको, आज के डेट में 2 साल हो गया तभी भी ये दादागिरी करके बोल रहा है कि मैं यहाँ पे करूँगा काम। अब हमने फिर फॉलोअप किया, SRA माड़ा सब जगह फॉलोअप किया, तो SRA ने फाइनली हमारा ग्रेवेंसी सुना, हम पिछले 2 महीने से उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, तो फाइनली CEO साहब ने ग्रेवेंसी सुना और CEO साहब ने बोला इनको इमीडिएटली स्टॉप ऑर्डर करो। आज के डेट में हमारा भाड़ा नहीं से बोला 23 से 24 करोड़ हो गया, 23 से 24 करोड़ किसको बोलता है? यहाँ पे 3-3 करोड़ होता है, 4-4 करोड़ होता है, वो कोर्ट में केस जाता है, यहाँ पे 23-24 करोड़ भाड़ा हो गया, यहाँ पे हमारे कमेटी वाले सोसाइटी वाले सो रहे हैं। आज के डेट में हमारा 393 का कोई भी केस कहाँ पे भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 52 लोग का केस चल रहा है, वो भी वो लोग खुद अपने मर्जी से वो 95 के नोटिस के थ्रू खाली किए, जब भी जाके कोर्ट में चला, और वही मैटर में जाके लोग हमारे मेंबर्स लोग जाके वही मैटर में पूरा कार्रवाई का हियरिंग चल रहा है, हमारा 393 का हियरिंग नहीं चल रहा है, अब वो 4-5 करोड़ होता जब भी जाते थे, आज के डेट में मैटर क्लियर होता था, लेकिन आपने ही टाइम दिया ना इनको इतना, कहीं ना कहीं कमेटी ने टाइम दिया इसके लिए वो ये सब हो रहा है, और ये हमारा स्ट्रक्चर का हालत देखिए, 93 अभी भी स्ट्रक्चर पे है एज ए वर्स देन स्लम, झोपड़पट्टी के गया गुजरे हालत में रह रहे हैं, यहाँ पे उनको लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे मरने का दिन आ गया,
यहाँ पे एस आर ए वाला बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग कार्रवाई करेंगे, भाड़ा वाला अभी देख कुछ देख रहा नहीं है, सोसाइटी का कुछ आता पता नहीं, उनका तो काम सब कुछ चालू है ना, भाड़ा मिल रहा है उनको यहाँ से कैम्प ट्रांजिट कैम्प जो बांधा रहवासी को लोग को वहाँ पे खाली 30 लोग रहवासी है, 100 लोग को भाड़े पे ले रहे हैं, आप भी जाओ आप कवर करो वहाँ पे कितने जन भाड़े पे रहते आपको मालूम पड़ेगा, इस तरह से काम यहाँ पे हो रहा है। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इसको हाईलाइट कीजिए, और हम रहवासी जो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे डेवलपर, आप कोई डेवलपर को पूरी तरह से टर्मिनेट किया है तो उसको यहाँ पे हक नहीं बनता है यहाँ पे रह के हमारा, अभी एक ही रिक्वेस्ट है हमको हमारा जगह दे दीजिए, कम से कम हमारा भाड़ा तो बाहर का बचे, हम लोग यहाँ पे रहेंगे झोपड़पट्टी बांध के या कुछ भी रह गए, हमारा आज के टाइम में 15,000-20,000 भाड़ा जाता है वो तो बचेगा ना, हम 5 साल से भाड़ा हमारे जेब से भर रहा है, अगर गवर्नमेंट को हम लोन नहीं भरेगा एक बैंक को हम ये ईएमआई नहीं भरेगा तो क्या करेगा वो, पेनल्टी लगाएगा इंटरेस्ट लगाएगा उसका भी हमको जवाबदारी है, हम लोग हमारा इंटरेस्ट पे कोई गोल्ड लगेगा उस पर भी हमको इंटरेस्ट भरना पड़ता है, यहाँ पे बिल्डर 5 साल से भाड़ा नहीं दे रहा उस पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन सा गवर्नमेंट आकर अथॉरिटी कार्रवाई करेगा, क्या यहाँ पे हमारे लिए कोई गवर्नमेंट सरकार है नहीं क्या हमारे लिए, क्या हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरते, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हम लोग, लीज नहीं भरते हम लोग, तो इनका जिम्मेदारी नहीं बनता गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करे यहाँ पे, क्या हम लोग यहाँ पे मरे ये पब्लिक सर से ऐसे कहा जा रहा है कि एसआरए की जो ये बिल्डिंग है ये एसआरए नहीं है सेल बिल्डिंग, अभी सेल बिल्डिंग में बोल रहे हैं कि आप लोग को घर सेल बिल्डिंग में दिया जाएगा शिफ्टिंग, उसके बारे में क्या कहें? देखिए यहाँ पे जो 2006 से जो एग्रीमेंट हुआ जो भी काम चल रहा है, एग्रीमेंट जो हुआ है वो पेवर 3310 में हुआ है झोपड़पट्टी में, ठीक है, और झोपड़पट्टी में हुआ है 11 मई 2006 को 3310 एंड 3314 डी का एनओसी आया, ऑफर लेटर आया 18 मई 2006 को एनओसी आया 3310 एंड 3314 डी में, 21 जुलाई 2006 को फिर से ऑफर लेटर आया 335 और 3314 डी में, उसके बाद एनओसी जो आया वो डायरेक्टली टू एसआरए को एनओसी गया, उसमें सोसाइटी का कोई मीनिंग मतलब था ही बचा ही नहीं, ठीक है ये चीज़ हो गया। उसके बाद में फाइनल एनओसी आया 335 और 3314 डी में 13 मार्च 2008 को, वो भी एनओसी एसआरए को गया, एसआरए ने 335 में जो पेमेंट भरा भी है 6,85,00,000 समथिंग 335 का पेमेंट भरा है, 27,323 स्क्वायर मीटर जो है 335 में काम करना था वो 335 में ना काम करते हुए 14 डी में काम किया, 14 डी जो है वो खाली जगह को लागू होता है, हमारे एरिया को माड़ा ने 1990 में बना के दिया था और आज के तारीख में हमको दिया गया है एनओसी ऑफर लेटर पिचेस का, हमारे सोसाइटी बिल्डर को निकाल दिया, निकालने के बाद में 11 अक्टूबर 2019 को एक लेटर आया बिल्डर का कि तुम लोगों ने 10,16,00,000 रुपये लिया है वो तुम लोग दो, पब्लिक को भाड़ा भरो तुम लोग भरो हमारा कोई मतलब नहीं है। इस वजह से जितने भी कमेटी मेंबर हैं डेवलपर को सपोर्टिंग कर रहे हैं और कोई भी आज तक का हमारे एरिया में न्यू तक का नहीं पड़ा है एकता नगर वाला। अभी यहाँ पे आपके सब में कितने कमेटी मेंबर मौजूद है जो ऑलरेडी है वहाँ? कोई नहीं है यहाँ पे, कोई कमेटी मेंबर नहीं है, कमेटी मेंबर आते हैं कल के डेट में भी आए बोले आज टाइम देता हूँ कल ऑफिस बंद करना, माड़ा से एसआरए से स्टॉप वर्क आया है, माड़ा ने एनओसी कैंसलेशन के लिए आगे बढ़ाया है, ये काम जो कर ये जो एक मिनट जो काम ये चालू है आज के तारीख में जब स्टॉप वर्क आ गया तो वर्कर का क्या ज़रूरत है, ठीक है पूरा काम जो है वहाँ पे हमको बिल्डिंग में सेल बिल्डिंग में भी चढ़ना पड़ता है, सेल बिल्डिंग में चढ़ के ढूंढते हैं तो आदमी लोग देखते हैं काम चालू है, इन लोगों का कहना क्या है कि हमको अभी ऑफिशियल नहीं मिला है, तो ऑफिशियल हम अनऑफिशियल नहीं ऑफिशियल केतन शाह को ऑलरेडी 5 तारीख को सुबह 10:30 बजे नोटिस दे चुके हैं, लेकिन इन लोगों का कुछ भी काम नहीं, केवल दादागिरी से काम करना है बाकी और कुछ नहीं। कल आपको धमकी आई करके आप पुलिस स्टेशन गए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा गलती क्या है? मैं लड़ रहा हूँ मेरे घर के लिए मेरा गलती है, मैं लड़ रहा हूँ मेरे लोगों के लिए मेरा गलती है, धमकी क्यों दिया? ये आपको धमकी दी किसने? विजय कमल प्रॉपर्टी के मालिक जो है विजय कमल जयेश शाह, इनके लड़के ने मुझे फ़ोन किया था, लड़के ने बोला जरा मेरे 2 मिनट मेरे पिताजी से बात करो, उन्होंने मेरे को क्लियर कट बोला है, उन्होंने मेरे को क्लियर कट बोला है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, जो भी कुछ आके हाथ मिला ले या फिर जिधर भी रहेगा तो मैं ठोक दूंगा गाड़ी से ठोकूंगा, लकड़ी से ठोकूंगा, तलवार से ठोकूंगा या बंदूक से ठोकूंगा ये मालूम नहीं है।
इसके इसी चक्कर में मैं पोलिटिशन में गया था, वहाँ पर भी इनको बताया कि इसके ऊपर FIR लो। उन्होंने बताया कि उसने खाली ठोकूंगा बोला है, जान से ठोकूंगा ऐसा तो नहीं बोला है, तो उसके ऊपर हम केस नहीं ले सकते, FIR नहीं ले सकते, ये बात वहाँ पर हुई है। मैडम एक हमारा सोसाइटी के साथ में जो बिल्डर का एग्रीमेंट हुआ था वो 2013 में ख़त्म हो चुका है, उसके बाद में कोई एक्सटेंशन उन लोगों ने किया नहीं है। सीसी उनका ख़त्म हो चुका है, आज के डेट में 7 साल से उन लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर टिके हुए हैं और जोर ज़बरदस्ती गुंडे वगैरह लगाकर काम हो रहा है। हम लोग अभी जाके किसको कंप्लेन करना चाहिए, आप लोग हमको हेल्प कीजिए प्लीज़। कि हमारी जो सोसाइटी है ना, तो ये सोसाइटी हमारी कभी किसका झाड़ू नहीं घर के दार में, ना किस कुछ पानी का हिसाब नहीं है, ना कुछ नहीं है। और ये सोसाइटी वो बनी है बिल्डर का बॉस, और ये बिल्डर ने हमको रास्ते पे लगा दिया है, और ये हमारा कहना है। इस पूरे मामले में अभी तक जैसे आपने देखा कि सुबह से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है, ये कल भी गए थे पुलिस स्टेशन में, आज यहाँ पर आए हैं, आज यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो बिल्डिंग बन रही है सेल वाली, उसमें घर दिए जा रहे हैं, उसका स्टॉप वर्क का नोटिस आया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो रहवासी है, 400 रहवासी पे तकलीफ हो रही है, उसमें से 100 को वहाँ पर शिफ्टिंग दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी अभी स्टॉप वर्क करके वो शिफ्टिंग भी रोक दी जा रही है, या उसका भी काम अभी जो है वो रोकने के लिए प्रोसीजर शुरू हो चुका है। अब यहाँ के बाकी जो रहवासी है जो यहाँ पर ही रहते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उनका जो है घर यहीं पर है, 50 से 60 लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनको धमकियाँ आ रही है, वो कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी आ रही है, या उनको यहाँ पर रहने में डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है वो आजू बाजू में रात को सुनसान होता है, तो ऐसे में जो डर का जो माहौल है वो यहाँ पर है। और साथ में ऐसे डर के माहौल में इनको कोई भी पुलिस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर ये कॉल करते हैं तो इनके लिए जो पुलिस की गाड़ी होती है वो 1.5-2 घंटे के बाद में आती है। ये ऐसे यहाँ के रहवासियों का कहना है सपोर्ट को लेके पुलिस के, और कल भी जब गए थे तो उनको जो शब्दों पे जो है उनकी NCA ली गई है, FIR का यहाँ पर अभी कोई नाम नहीं है, कोर्ट में केस चालू है। वर्क स्टॉप का नोटिस आने के बाद में आज ये ऑफिस जो है आप देख सकते हैं, ये ऑफिस ओपन है, यहाँ पर लिखा गया मंडे ऑफिस क्लोज रहता है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये ऑफिस ओपन है, क्योंकि यहाँ पे कमेटी मेंबर आने वाले थे, लेकिन कोई भी कमेटी मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं ये परेशान है, 16 साल से अपने घर के लिए जो परेशान है वो लोग यहाँ पर मौजूद है, और साथ में यहाँ पर कोई कमेटी मेंबर मौजूद नहीं है, कोई और भी सदस्य नहीं जो इनसे बात कर सके। सिर्फ इतना है कि ये यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। ये कब तक चलेगा ये देखने जैसे है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, साथ मैंने पहले भी मुख्यमंत्री भाड़ा भरो इसमें ये उठाया गया था, इसके बाद भी इनको भाड़ा नहीं मिला है, इनकी जो दिक्कत है ये चलती आ रही है, तो आगे इसके बारे में जो जानकारी होगी शाखा 9 की टीम जो है आप तक पहुँचाएगी कि क्या लड़ाई है, कैसे लड़ाई बढ़ रही है, या यहाँ पे इनको कैसे न्याय मिल रहा है। इसके लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, मैं खुशी नायक फखरुद्दीन हाशमी के साथ, शाखा 9 न्यूज़।